तो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग टेक्निक्स की, कि हम इसको कैसे वीडियो एडिटिंग में यूज करते हैं। और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है अगर आप एक प्रोफेशनल है या आपने जस्ट अभी स्टार्ट किया है, क्योंकि कलर ग्रेडिंग और कलर करेक्शन ही हमको हेल्प करता है अपनी वीडियोज को पॉलिश्ड और विजुअली अपीलिंग बनाने के लिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कलर करेक्शन है क्या। कलर करेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी वीडियो के ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन को एडजस्ट करते हैं ताकि वो वीडियो अपने बेस्ट लुक में आ जाए। अब बेस्ट लुक से मेरा मतलब ये है कि वो वीडियो नेचुरल और बैलेंस्ड दिखे, ना तो वो अंडर एक्सपोज दिखे ना तो वो ओवर एक्सपोज दिखे। तो आज हम अपनी वीडियो को कलर करेक्ट करने वाले हैं प्रीमियर प्रो में, तो चलो शुरू करते हैं। तो प्रीमियर प्रो में आने के बाद आपको सिंपली एक एडजस्टमेंट लेयर बना लेनी है और इसको अपनी टाइमलाइन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो इसका फायदा ये है कि अगर आपकी बहुत सारी क्लिप्स है तो आप सबको एक साथ कलर ग्रेड कर सकते हो। अगर आपकी एक सिंगल क्लिप है तो आप उसको सिलेक्ट करके भी कलर ग्रेड कर सकते हो। फिर आपको आ जाना है सिंपली अपने कलर वाले पैनल में, और यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी विंडोज से लुमेट्री स्कोप्स के पैनल को खोल लेना है। फिर आपको सिंपली इस रेंज आइकन में क्लिक करके परेड RGB को खोल लेना है और वेक्टर स्कोप YUV को। तो ये वेक्टर इसको YUV हमें बताते हैं कि हमारा फेस कलर करेक्ट है या नहीं, और ये हमारा परेड RGB बताता है कि हमारे कलर्स एक्यूरेट है या नहीं, क्या हमारी वीडियोस में ग्रीन्स ज्यादा है, ब्लूज ज्यादा है या रेड्स ज्यादा है। तो आप इसको देखने के बाद सिंपली अपने वीडियो का कलर करेक्ट कर सकते हो। फिर हमारे ये वेवफॉर्म RGB हमको बताता है कि हमारी वीडियो ओवर एक्सपोज तो नहीं है या अंडर एक्सपोज तो नहीं है। इन दोनों चार्ट में ये जो अपर वाला पोर्शन है ये हाईलाइट है, ये मिडिल वाला पोर्शन है जो वो मिड्स है, और ये डाउन वाला पोर्शन है वो शैडोज है। तो आप इन दोनों को देखने के बाद इजीली अपने हाईलाइट, मिड टोन्स और शैडोज को करेक्ट कर सकते हो। तो ये तीनों चार्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जैसे जैसे कलर करेक्ट या कलर ग्रेड करेंगे तो इनकी वैल्यूज देखते देखते हमको पता चलेगी कि हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया या हमने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया। तो कलर करेक्शन स्टार्ट करने से पहले अपनी क्लिप का एक हीरो फ्रेम सिलेक्ट कर लेना। तो मैं इस क्लिप को करने वाला हूँ कलर करेक्ट। तो मैं सबसे पहले अपनी वीडियो में कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करूंगा ताकि मेरे ब्लैक्स एंड व्हाइट एकदम पंची दिखे, तो मैं इसको 51 पे रख देता हूँ। फिर आप ये वेवफॉर्म RGB में देख सकते हो कि हमारे हाईलाइट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, एकदम 100 को टच कर रहे हैं। तो मैं इनको डिक्रीज करूंगा और मैं इसको -41 पे रख दूंगा। तो आप देख सकते हो कि हमारी वेवफॉर्म RGB में शैडोज वाला पार्ट कितने ऊपर है। तो मैं सिंपली अपनी शैडोज को डिक्रीज करूंगा और मैं अपनी वीडियो में व्हाइट्स को भी इंक्रीज करूंगा ताकि मेरे स्काई में थोड़ी डिटेल्स आ जाए। फिर मैं अपनी ब्लैक्स को इंक्रीज करूंगा ताकि हमारी वीडियो में डायनेमिक रेंज बढ़ जाए। तो मैं ब्लैक्स को रख दूंगा 69 पे। फिर मैं सैचुरेशन को थोड़ा इंक्रीज करूंगा ताकि हमारी वीडियोस में कलर और पॉप हो जाए, तो मैं इसको रखूंगा 130 पे। फिर मैं अगर आपको बिफोर आफ्टर दिखाऊं तो पहले हमारी क्लिप कुछ ऐसी थी और हमने बेसिक करेक्शन से इसको ऐसा बना दिया। फिर बेसिक करेक्शन के बाद हमें नेक्स्ट पैनल में मिलता है क्रिएटिव, और क्रिएटिव में आप यहां से लट्स भी लगा सकते हो, लेकिन ये हम बाद में लगाएंगे, पहले हम अपनी वीडियो में कलर करेक्ट करेंगे। फिर यहां पे आपको मिलता है फेडेड फिल्म, इससे आप अपनी वीडियो में एक फेडेड लुक दे सकते हो। ये किसी किसी टाइप की वीडियोस में अच्छा लगता है, लेकिन मैं अपनी वीडियोस में इसको यूज नहीं करूंगा। और इस शार्पन से आप अपनी वीडियोस में शार्पनेस को इंक्रीज कर सकते हो। फिर है वाइब्रेंस और सैचुरेशन। तो इन दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है कि अगर आप अपनी वीडियो में वाइब्रेंस इंक्रीज करोगे तो आपका फेस स्पॉइल नहीं होगा, लेकिन आपके बैकग्राउंड में कलर ऐड हो जाएगा। और सैचुरेशन को अगर आप इंक्रीज करोगे तो ये आपके फेस को भी थोड़ा अजीब बना देता है और बैकग्राउंड में भी कलर ऐड कर देता है। तो आप अपनी वीडियोस के हिसाब से यूज कर सकते हो। तो मेरे को अपनी वीडियो के कलर सही लग रहे हैं, तो मैं इन दोनों को भी छोड़ दूंगा। और एक और प्रो टिप, अगर आप किसी भी टूल में आप इंक्रीज करते हो या डिक्रीज करते हो और डबल क्लिक करोगे तो ये रीसेट हो जाएगा। फिर मैं आ जाऊंगा सिंपली अपने कर्व्स में। कर्व्स में सबसे नीचे ये आपका ब्लैक्स है, ये आपका है शैडोज, ये है मिड टोन्स, ये है हाईलाइट और ये है व्हाइट्स। जो आपने बेसिक करेक्शन में एडजस्ट किया था वो आप सिंपली कर्व्स से भी कर सकते हो। तो कर्व्स का जो सबसे मोस्ट फेमस यूज है वो है एस कर्व। ये आपकी वीडियो में एक सिनेमैटिक कॉन्ट्रास्ट दे देता है। आप देख सकते हो कि कैसे सिंपली खाली एस बनाया हमने और हमारी वीडियो इतनी ज्यादा पॉप आउट हो गई। तो ये बिना हमारे कर्व्स की वीडियो है, और ये कर्व्स के साथ आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा मैसिव इम्प्रूवमेंट है। फिर आप अपने इस परेड RGB में देख सकते हो कि मेरे को ब्लू की वैल्यू ज्यादा दिख रही है, तो मैं अपने कलर्स को ठीक कर दूंगा। तो अभी मेरे को अपने वीडियो में परफेक्ट कलर दिख रहे हैं, और आप देख सकते हो कि कैसे हमने परेड RGB की मदद से अपने कलर्स को करेक्ट कर दिया। फिर आपको आ जाना है सिंपली कलर व्हील्स एंड मैच में। कलर व्हील्स एंड मैच का एक बहुत अच्छा यूज जो है, जो आप अपनी किसी भी फेवरेट मूवी की क्लिप को लाके उसके जैसा कलर ग्रेड अपनी क्लिप में मैच करा सकते हो। मैंने इस पे भी पहले वीडियो बना रखी है, अगर आपको देखनी है तो आप जाके देख सकते हो। और यहाँ पे हमको मिल जाते हैं शैडो, मिड टोन और हाईलाइट। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं अपनी वीडियो के मिड टोन्स को अगर
ब्लू के साइड तो मेरी वीडियो के पूरे मिड टोन्स ब्लू हो जाएंगे, और अगर आप इसमें डबल क्लिक करोगे तो ये रीसेट हो जाएगा। तो इसका यूज भी अभी हमको नहीं करना है क्योंकि अभी हम अपनी वीडियो को कलर करेक्ट कर रहे हैं। इसका यूज हमें अपनी वीडियो में कलर ग्रेडिंग के टाइम पे आएगा। तो चलते हैं नीचे HSL सेकेंडरी में। HSL सेकेंडरी में हम किसी भी कलर का मास्क बना सकते हैं। जैसे अगर आपको अपनी वीडियोस में खाली ग्रीन ही ग्रीन कलर पे एडिटिंग करनी है या कलर ग्रेडिंग करनी है तो आप सिंपली यहाँ से आई ड्रॉपर टूल से सिलेक्ट कर सकते हो। और इसका एक बहुत अच्छा यूज मैं बताऊं तो आपको सिंपली अपने आई ड्रॉपर टूल से अपने फेस को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से कलर स्लैश ग्रे में क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो कि जितना पार्ट हमको चाहिए था उतने का सिलेक्शन बन चुका है। फिर आपको आ जाना है डीनॉइस में और आपको यहाँ पे रख देना है 20 और ब्लर में 7। इससे आपका सिलेक्शन थोड़ा स्मूथ बन जाएगा और आपका इफेक्ट अच्छा लगेगा। फिर आपको यहाँ पे अनटिक कर देना है ताकि आप देख सको अपने करेक्टर को। फिर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि कैसे हमारे खाली सिलेक्शन पे कलर हुआ है। और अगर आप याले आइकन में क्लिक करोगे तो आपका शेडो मिड टोन और हाइलाइट्स का कलर व्हील आ जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप अपने इस कलर और ग्रे मास्क वाले आइकन में क्लिक करोगे तो आपको अपने वेक्टर स्कोप में ये डॉट सा दिखेगा और ये स्ट्रेट लाइन दिखेगी। तो ये स्ट्रेट लाइन आपको हेल्प करती है आपके फेस के कलर को करेक्ट करने में। आपका ये जो व्हाइट एरिया है ये होना चाहिए इस स्ट्रेट लाइन में, और आप इसको अनचेक करोगे तो ये हट जाएगा, ये ओवरऑल वीडियो का दिखाएगा फिर। तो हमने वेक्टर स्कोप से अपने फेस के कलर को भी करेक्ट कर दिया। मैं आपको बिफोर आफ्टर दिखा देता हूँ। तो ये था हमारा बिफोर और ये हो गया आफ्टर। आप देख सकते हो कि कैसे हमारे करेक्टर को हमने अपने बैकग्राउंड से सेपरेट कर दिया। और उसके बाद आ जाता है विगनेट। तो विगनेट आपको हेल्प करेगा कि आपकी अगर वीडियो में कोई बीच में अगर कोई करेक्टर है तो उसको मेन फोकस है वो आपके मेन करेक्टर में जाएगा। जैसे अगर आप इसको इंक्रीज करोगे तो आपकी वीडियो के बॉर्डर में व्हाइट कलर का एक सर्कल सा बनेगा, और अगर आप इसको डिक्रीज करोगे तो ब्लैक कलर का बनेगा। फिर ये नीचे पे को विगनेट की सेटिंग आ जाती है, आपको इसका मिड पॉइंट कितना चाहिए, इसकी कितनी राउंडनेस चाहिए या इसको स्क्वायर बनाना है आपको, और ये फेदर। तो ये आप अपनी वीडियो के हिसाब से सेट कर सकते हो। अगर आपको लगे कि आपको नहीं चाहिए तो आप अपनी वीडियो में मत रखना। फिर हमारी बेसिक कलर करेक्शन हो चुकी है और मैं आपको बिफोर और आफ्टर दिखा देता हूँ कि हमने कहाँ से शुरू किया था और अभी कैसी हो गई हमारी क्लिप। तो जब हमने शुरू किया था तो हमारी क्लिप कुछ ऐसी थी और हमने इसको कुछ ऐसा बना दिया, और इसके बाद अब हम इसमें कलर ग्रेड करेंगे। लेकिन मैं इस वीडियो में कलर ग्रेड नहीं करूंगा, मैं इसका पार्ट टू भी बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं आपको सिंपली एक लट लगा के दिखा देता हूँ कि आपकी वीडियो कलर करेक्ट होने के बाद अगर उसमें लट लगाओगे तो सिंपली वन क्लिक में कैसी दिखेगी। तो ये स्टार्टिंग में कुछ हमारी रॉ फुटेज ऐसी थी, इसको हमने कलर करेक्ट किया और इसके बाद जब हमने लट लगाया तो हमारी वीडियो कुछ ऐसी हो गई। तो आप देख सकते हो कि हमने कितने सिंपली अपनी वीडियो को इतना ज्यादा अच्छा बना लिया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, होप यू लाइक इट। इसका हम एक दूसरा पार्ट भी बनाएंगे जिसमें हम खुद मैन्युअली कलर ग्रेड करेंगे अपनी वीडियो को, और इस वीडियो में जो जो टूल्स छूट गए हैं वो हम उस वीडियो में कवर कर देंगे। तब तक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। ओके बाय।